थैंक यू सो मच आप आज आई हमारे घर पे, बहुत प्यार से मुझे खुशी हुई कि आए, तो माय ड्रीम कम ट्रू मेरे लिए, तो समझे मेरा एक ख्वाब था। और मैं वाकई पहले भी इनके पुराने घर पे जा चुकी हूँ, इनकी मैंने एक क्लास भी की थी, जैसा कि आपको पता है मैं हर जगह पहुँचाती हूँ, मुझे बहुत शौक है क्लासेस का। और अब तो इन्होंने नया घर बना लिया है माशाल्लाह, स्टूडियो बनाया है माशाल्लाह। ये मेरी जेठानी है, अच्छा सबसे बड़ी, और ये बेटी है, इनको तो आप अच्छे से जानती होंगी सबा को, बेटियों से तो आपकी मिल चुकी है। ये दानिया है, ये बुशा है, और वो मैरिड वाली जो है वो आ नहीं सकी, वरना वो जरूर एक्साइटेड थी आने के लिए, जैसे उसको भी फीवर था बच्ची की भी तरह, तो वरना वो भी जरूर आती है। आइए बैठिए। बड़ी सिस्टर भी समझे हैं, जेठानी भी हैं, और माशाल्लाह काफ़ी अंडरस्टैंडिंग, हम दोनों की माशाल्लाह बहुत ही है दोस्ती। बच्चे भी हमारे साथ साथ ही बड़े हैं, जहाँ हमने कहीं ट्रैवल भी करना है तो माशाल्लाह ये और हम सब साथ ही होते हैं अक्सर। बहुत अच्छा घर है आपका, स्टूडियो भी बन गया जी। बस सब क्लासेस कब से करेंगी? कब से क्लासेस, बस वेट थोड़ा सा ये इंतज़ार इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और क्लासेस भी कर रही हूँ प्लस यूट्यूब भी स्टार्ट कर रही हूँ। अच्छा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो बस अभी अन करीब। और ये बेटी हैं, ये भी माशाल्लाह पढ़ रही हैं, और ये वो भी तो आपको हेल्प करती हैं ये ना? तो हाँ जी बिल्कुल, वो भी हैं, उनको भी कुकिंग का शौक है। बस ये कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप आई हैं, और इनको भी बड़ी थी एक्साइटेड के मिलूंगी आपसे, मिलने का बहुत शौक था। अच्छा, बहुत आपको इनके हाथ की कुकिंग कैसी लगती है? बहुत अच्छी, मैं तो इनसे रेसिपी लेती रहती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, इनकी बहुएं हैं, बेटियां हैं, माशाल्लाह सब मैरिड हैं। हमारे यहाँ कुकिंग तो माशाल्लाह सारे ही फैमिली में सारे ही शौकीन है, जब वो कहते हैं ना घर में जब हस्बैंड ज़्यादा शौकीन होते हैं सही बात, तो फिर हमें कुछ करना पड़ जाता है कि भाई मैं इतना करती थी, इतना शौक से नहीं करती थी। जो मेरा सबसे बड़े जो इम्प्रेशन आप ही हैं, सबसे पहले ही हैं, क्योंकि मैंने आपको याद होगा भाभी, मैं सबसे पहले इनको सबसे पहले आपको देखती थी। अम्मी के साथ तो मतलब अम्मी तो मेरी ग्रेट कुक ही माशाल्लाह रही हैं, बहुत अच्छी। जब वो कहते हैं ना, जब बहुत जब ज़्यादा पड़ जाती है कि भाई कोई चीज़ न्यू, उस वक्त ऐसा था कि आपके नए नए चैनल्स स्टार्ट हुए थे, और फर्स्ट मेरी आपको मैं बताऊँ, मेरी काफ़ी डायरी आप इंशाल्लाह आएंगी मैं आपको दिखाऊँगी, पूरा मेरा एक कबर्ड आपके रेसिपी से भरा हुआ है। कहते हैं कि आप अपने आप को थोड़ा बिजी रखें, मतलब कुकिंग ऐसा मतलब मेरे लिए पैशन या जुनून बन गया, कहते फैशन भी बन गया, कि मैंने इसको अपना मतलब अपने आप को भी बहुत बिजी रखा इसकी वजह से। अच्छी बात है, जब एक थोड़ा सा बंदा डिप्रेशन में, लेट सपोज मैं बल्कि काफ़ी औरतों को कहती हूँ, बच्चियों को कहती हूँ भाई आप कुकिंग पे आएँ, और बच्चियों को भी कहती हूँ स्पेशली स्टडी के साथ कुकिंग मसाला टीवी के आने से बहुत पूरी दुनिया में अवेयरनेस आ गई है जी, बहुत बहुत बहुत। देखे ना कितने कॉलेजेस और खुल गए हैं सब। मैंने सिटी स्कूल में भी जाके वहाँ पे मास्टर क्लास के थ्रू हम लोग जा गए थे, हमने वहाँ पे भी बेकिंग क्लास हमने वहाँ पे भी दी थी। और आप हैं कहाँ की? अच्छा बेसिकली हम बॉम्बे मेमन हैं। अच्छा जी, बॉम्बे मेमन हैं। और आप भी मेमन हो? जी जी मेमन है। लगता नहीं लेकिन बॉम्बे मेमन ही है हम लोग। और मेमन मतलब जो हमारी ट्रेडिशनल, आपको पता होगा कि लोग कहते हैं फ़िश माई पुलाव जो नाम से है, इस तरह मैं बॉम्बे स्टाइल फ़िश कड़ी बना रही हूँ आपके लिए स्पेशली। अच्छा, और कौन सी मछली यूज़ करी मैंने? क्योंकि मेरी फेवरेट रेड स्नैपर है, मुझे बहुत पसंद है। क्या ख्याल है आप चलें कुकिंग? बिल्कुल बिल्कुल चलते हैं, बस थोड़ा सा अभी आप ड्रिंक आपके लिए बनाया है, ग्रैब पंच बनाया है थोड़ा सा। वो क्या बनाया आपने? मतलब ग्रैब पंच बनाया है, थोड़ा डिफरेंट है, वेलकम ड्रिंक बनाई है बेटी ने, बेटा आप लेके आए।